आज मैं जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ट्राउज़र दामन और नेक लाइन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। नेक लाइन का ब्लैंकेट वाला डिज़ाइन है। इस ऑल ओवर फैब्रिक पर हम लेस के साथ बनाने वाले हैं। बहुत 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 ही प्यारा डिज़ाइन है। सबसे पहले हम चिप्स बुकरम ले लेंगे और उसको इस तरह से तिरछा कर लेंगे और एक इंच की तिरछी ही हमने पट्टी कटिंग कर लेनी है, फुल तिरछी रखनी है। अब हमने बुकरम को कर लेना है डबल फोल्ड और गोल वी शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेक लाइन के लिए गहराई इसकी 6.5 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 7 इंच इस पर रखी है और उसी लाइंस के ऊपर गले की कटिंग कर ली है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी नेक लाइन की कटिंग हो गई है। अब हमने पैटर्न ले लेना है और पैटर्न को इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम पर रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच की और लाइन बनाते हुए हमने अपनी ब्लैंकेट की कटिंग कर लेनी है। विंटर ड्रेसेस के लिए ये नेक लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऊपर हमने सिलाई के दबाव के लिए एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है, तकरीबन 1/2 इंच। कटिंग करने के बाद इस साइड की भी हमने पट्टी कटिंग कर लेनी है। ये पट्टी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हमने लॉन्ग रखी है, जितनी हमारी सिलाई के दबाव में जानी होगी। सेम मेजरमेंट की ही कटिंग करनी होती है। पट्टी की कटिंग के बाद हमारे पास ये 4 आ गए हैं स्टेप्स। नेक लाइन 2 पट्टियाँ और 1 तिरछी पट्टी, ये एक्स्ट्रा हम हटा लेंगे इसको। इन बाकी 4 स्टेप्स को हमने पेस्ट कर लेना है रफ फैब्रिक पर। तिरछी पट्टी को तिरछे ही फैब्रिक पर चिपका लेना है ताकि हम जिस शेप में चाहें उसी शेप में आसानी फोल्ड हो जाए हमारी पट्टी। हमने राउंड शेप में फोल्ड करके लानी होगी। ब्लैंकेट हमारी पेस्ट हो चुकी है। दोनों साइड से रफ कपड़ा कटिंग करते हुए हमने फोल्ड कर लेना है ताकि जब हम गला बनाने लगें तो ब्लैंकेट पट्टियाँ हमें लगाने में आसानी हो। तिरछी पट्टी को हमने इस तरह से 1 साइड फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी हमने फोल्ड कर ली है। इसको हमने बिल्कुल पट्टी की लुक देनी है। ये हमने 1/2 इंच से भी कम चौड़ी रखी हुई है। पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम इस्त्री ले लेंगे और उसको राउंड शेप में इस तरह से घुमाते हुए प्रेस कर लेंगे नेक लाइन की मुनासिबत के साथ। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, फुल वॉच करनी है। बहुत ही प्यारा लेस के साथ ये नेक लाइन बनने वाला है। अब हम अपनी शर्ट की फ्रंट साइड लेते हुए जैसा कि आम नेक लाइंस बनते हैं वैसे ही बना लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से कॉर्नर्स पर हमने तुरपायाँ कर लेनी है और सेंटर में हमने एक निशान लगा लेना है टेलर चौक या पेन पेंसिल की मदद से या फिर प्रेस करते हुए, ताकि जब हम अपनी ब्लैंकेट लगाएं तो आसानी लग जाए। ये ब्लैंकेट हमने ले ली है और ऊपर जो हमारे कॉर्नर्स आए हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अगर आप चाहें तो फोल्ड ना भी करें क्योंकि हमारी पट्टी आएगी तो वो अंदर छुप जाएंगे कॉर्नर्स। लेस भी हमने यहाँ तक एक साइड पर लगा ली है। हमारे कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए। दूसरी ब्लैंकेट पट्टी हमने ले ली है। हमने इस पट्टी को बनाने के लिए सेम फैब्रिक लिया है। अगर आप चाहें तो पिंक कलर का मीन के जैसा कि प्रिंट के फ्लावर्स हैं, मुझे इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग में सेम ही फैब्रिक की डिज़ाइनिंग करनी थी ओनली लेसेस लगा के, तो इसलिए मैंने सेम कलर्स की ही डिज़ाइनिंग की है ब्लैंकेट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इस फैब्रिक की तरह अच्छे वाला फैब्रिक नहीं था। कॉर्नर्स पर जैसे ही हम पहुँचे अच्छे से पट्टियाँ बना ली हैं। अब डोरी लेते हुए हमने इनकी कटिंग कर लेना और इस तरह से गिरा लगा लेनी है डोरी के ऊपर। गिरा लगाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे लूप्स की शेप में और इन लूप्स को, गिरा वाले लूप्स को इस तरह से 2-2 करके रखते जाएँगे और अपनी डिज़ाइनिंग करते जाएँगे। अगर आप चाहें तो इन लूप्स की बजाय आप ट्राइंगल्स भी लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा हमारा नेक लाइन रेडी हो चुका है। क्लियर वीडियो नहीं आई लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हमने जो तिरछी पट्टी रेडी की थी उसको इस तरह से रखते हुए हमने लेस भी अंदर दे लेनी है। स्टार्ट से ही सिलाई लगाते जाना है और अपने नेक लाइन को दे देनी है एक ब्यूटीफुल सी लुक। जैसे ही हम अपनी पट्टी को लेके इस वी शेप तक, वी ब्लैंकेट तक आएंगे तो हमने अपनी स्पेस का ध्यान रखते हुए कि कितनी हमारी स्पेस आ रही है वी की,
उतनी ही स्पेस रखते हुए हमने अपने नेक लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए अब बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई है। आपको कैसा लगा है आज का ये नेक लाइन? थोड़ा टाइम लेने वाला तो है लेकिन बने हुए बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप कंट्रास्ट फैब्रिक की टैंकेट बनाएंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा और क्लियर भी होगा ये डिज़ाइन। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दामन का और ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने चिप्स बुकरम की कटिंग कर लेंगे। मैं जब भी कटिंग करती हूँ अपने बुकरम को डबल फोल्ड कर लेती हूँ। मैंने पैटर्न एक कटिंग कर लिया है इस तरह सा ज़िगज़ैग शेप में, जिसकी लंबाई मैंने 3 इंच और चौड़ाई तकरीबन ऊंचाई मैंने रखी है इसकी तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ही रख ली है। और उसको इस तरह से रखते हुए मैंने पेन की मदद से शेप्स दे ली हैं। ये शेप्स बहुत अच्छी सी बराबर बराबर इस पैटर्न को रखते हुए देनी है। जैसे ज़िगज़ैग लाइन हमारी ड्रॉ हुई है तो उसी लाइन के ऊपर हमने अपनी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग पहली बार में ही अपने कंप्लीट फिनिशिंग के साथ करनी है, क्योंकि हमने इस तरह से रखते हुए अपनी डिज़ाइनिंग करनी होगी पेस्ट करने के लिए। जब हम ट्राउज़र के पैटर्न कटिंग करने लगेंगे या स्लीव्स के, तो हम अपना यही पैटर्न रखते हुए इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। 1 मिनट के अंदर ही हमारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी कंप्लीट। आपने अगर ज़िगज़ैग इस तरह से कटिंग करनी हो तो ऐसे भी रख के अपनी कटिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऊपर मैंने अपने चिप्स बुकरम रखते हुए एक लाइन लगा ली है। ये हमारे पास आ गए हैं 2 पैटर्न ट्राउज़र्स के। अगर आप अच्छे से कटिंग कर लें तो डिज़ाइनिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इंतहाई फिनिशिंग के साथ हमारी डिज़ाइनिंग हो जाती है। दोनों पैटर्न ये वाले भी हमने कर लिए हैं कटिंग। जिस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हों तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। दामन के इस डिज़ाइन को कैसे ऑर्गेंजा फैब्रिक से बनाते हैं आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे अपनी चिप्स बुकरम और पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और दोनों साइड से हम अपनी सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक साइड पर सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे सारी, और उसके बाद दूसरी साइड पर भी हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। जब भी ये सिलाई लगाएँ तो एहतियात करनी है कि कॉर्नर्स हमारे अच्छे से बनने चाहिए। हमने यहाँ पर सेंटर में ऑर्गेंजा पट्टी लगाकर डिज़ाइनिंग करनी है। जैसा कि आजकल ऑर्गेंजा पट्टी से डिज़ाइनिंग हो रही है, कॉर्नर्स पर हमने डीपली कट लगा लेने हैं दोनों साइड्स पर, और नीचे वाले कट वर्क्स को पलट के सीधा कर लेना है सबसे पहले, और इसी तरीके से ऊपर वाले कट वर्क्स भी पलट के सीधे कर लें। तुरपाई वगैरह नहीं करनी, ये हमने ऑर्गेंजा पर स्पेस में रखनी है। लेकिन उससे पहले हमने कट वर्क्स की ये जहाँ तक चिप्स बुकरम है वहाँ तक रफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए अंदर लेस दे लेनी है। लेस का किनारा जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा हम अपनी सिलाई एहतियात के साथ चला लेंगे। समझें कि हमारा दामन हो चुका है रेडी। अब हमने ऑर्गेंजा पट्टी ले लेनी है और कॉर्नर्स पर सारी हमने ज़िगज़ैग शेप की सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। जैसे ही हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमने को हर कॉर्नर्स पर पिंस लगा लेनी है, ताकि अच्छे से हमारी पट्टी लग जाए, बराबर बराबर कोई झोल वगैरह ना आए, और जब दूसरा दामन हम अटैच करने लगे तो वो भी कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर्स बराबर ही आ जाएं। यहाँ पर भी हम पिन अप कर लेंगे, हर कॉर्नर्स के ऊपर पिन्स लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर पर भी पिन लगाई हुई है और सारा दामन मैंने कर लिया है कंप्लीट। कैसी लगी है आपको इस शर्ट की ये लुक? चॉक्स पर हमने गुम पट्टियाँ लगा लेनी है या फिर पलटा लगा लेना है। अब हम बनाने जा रहे हैं ट्राउज़र। ट्राउज़र की भी हमने सेम तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने लेस नहीं लगानी, ओनली इस पट्टी को फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। वही सेम ही तरीका हमने अप्लाई करना है।
और गिंजा पट्टी हमने डबल यूज़ की है ताकि धोने से हमारे कपड़े ख़राब ना हो। पिन अप करने के बाद हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बड़ा बॉर्डर पसंद करते हो तो इस तरह से बड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं नीचे एक और पैच रखते हुए, लेकिन हमें छोटा ही बॉर्डर चाहिए था इसलिए छोटा बनाया है। यहाँ से भी हमने फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है ताकि जब पहने तो हमें और गिंजा फैब्रिक चुभे ना। ट्राउज़र और स्लीव्स की हमारे पास फाइनल लुक ये आ जाएगी। कैप्री ट्राउज़र पर भी हम ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ शर्ट की फुल डिज़ाइनिंग। दामन हमारा ये आ चुका है लेस के साथ। बैक साइड की ये लुक आई है हमारे पास। ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पट्टियों को भी फोल्ड कर लिया है ताकि धोने से हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक ठीक रहे, ख़राब ना हो। नेक लाइन की ये लुक आई है। आपको कैसी लगी है आज की ये डिज़ाइनिंग? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं। अगर हाँ मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच वीडियो फुल वॉच करने के लिए, और अगर न्यू है तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ये डिज़ाइनिंग भी बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं ब्लैंकेट पर। इस शर्ट की फाइनल लुक ये आ चुकी है हमारे पास। क्या आज की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको समझ आ चुकी है? इस ड्रेस के दामन और नेक लाइन की इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके।